नमस्कार दोस्तों, बदलते बनारस में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे को धरातल पर उतारने की कवायद ने रफ्तार पकड़ ली है। कैंट से गदौलिया के बीच प्रस्तावित रोपवे परियोजना में बाधकों को दूर करने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण को 2800 रुपये जारी कर दिया गया है। इस पैसे से दोस्तों रास्ते में बनने वाले जो स्टेशन हैं और जो भी पिलर है उन जगहों पर सीवर पेयजल और जो बिजली के खंभे हैं उनको शिफ्ट करने का काम जो है स्टार्ट हो गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में संपन्न यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वाराणसी रोपवे की डिज़ाइन को दिखाया गया था। अब वह जो डिज़ाइन है वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में रखी गई है। आप जाकर दोस्तों वहाँ पर देख सकते हैं रोपवे बनने के साथ कैसा दिखेगा और कहां कहां पर पिलर किस डिज़ाइन में होगा। जिन सड़कों पर रोपवे प्रस्तावित है उस रोड पर क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन देखकर समझा जा सकता है। आपको बता दें कि गौदौलिया चौराहे पर नीचे जो ट्रैफिक है वह सामान्य रूप से चलता रहेगा और ऊपर स्टेशन का जो है अंतिम पड़ाव बनने वाला है। आपको बता दें कि इस रोपवे की कुल दूरी 3.7 किलोमीटर होने वाली है और इसके बीच में कुल 5 स्टेशन बनेंगे। और रोपवे का जो अंतिम स्टेशन है गौदौलिया, वहाँ पर चारों दिशाओं में निकास द्वार बनाए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इस परियोजना के 5 स्टेशन की। तो इसमें पहला स्टेशन कैंट, उसके बाद यह वहाँ से चलते हुए विद्यापीठ स्टेशन, फिर रथ यात्रा, फिर गिरजाघर क्रॉसिंग और फिर अंतिम यह गौदौलिया चौक पर जाकर समाप्त होगी। इस रोपवे में कुल दोस्तों 228 केबिन होंगे और हर 3 से 4 मिनट के अंतराल पर यह सेवा उपलब्ध होगी। एक केबिन में करीब 10 लोग सवार हो सकेंगे। और आपको बता दें कि वाराणसी कैंट से गौदौलिया तक का सफ़र 17 मिनट में तय किया जा सकेगा। तो दोस्तों अब काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँचना काफ़ी आसान हो जाएगा। जो बाहर के पर्यटक आते हैं वह कैंट स्टेशन से सीधा रोपवे पर चढ़ेंगे और 17 मिनट में वह गौदौलिया चौक पर पहुंच जाएंगे। फिर वहां से वह काशी विश्वनाथ की ओर जा सकते हैं और दर्शन पूजन कर सकते हैं। रोपवे से दोस्तों जो लोग सफ़र करेंगे उनको वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से राहत मिलेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रोपवे स्टेशन और उसकी जो ट्रॉली होगी उस पर वाराणसी की कला, धर्म और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और जो स्टेशन है उन पर एस्केलेटर बनाए जाएंगे, यात्रियों का जो सुख सुविधाओं का काफ़ी ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है और अभी स्टार्टिंग में यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम किया जाएगा। उसके बाद जहाँ तक अनुमान है कि मई में आपको इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले वाराणसी दौरे पर रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जैसी कोई और अपडेट आता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।